अलवर नगर परिषद के नवनियुक्त कार्यवाहक सभापति मुकेश सारवार ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शनिवार को अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था सहित प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप सभापति देवेंद्र कौर सहित वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। सभापति ने बताया कि पिछले काफी समय से नगर परिषद में अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ था, इन्हें अब दुरुस्त किया जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को बुलाकर ये निर्देश दिए हैं कि आज से जो भी कर्मचारी अपने काम पर लापरवाही नहीं करेगा, लापरवाही करेगा तो नियमानुसार उससे कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की लापरवाही को लेकर आज से सफाई व्यवस्था को लेकर, पट्टों को लेकर जो भी व्यवस्था थी, क्योंकि भवरसा और टीकराम जुड़ी ने जो हमें विश्वास जताकर बताया है कि आज हमको सिर्फ काम करना है। अभी किस तरह का बदलाव लेके आ रहे हैं, किन चीजों में परिवर्तन किया गया है? जल्दी से जल्दी पट्टों की जो व्यवस्था रुकी हुई थी वो पट्टों को वितरण किया जाएगा, सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, शहर के अंदर जो आवारा पशु हों उन पर भी रोक लगाई जाएगी और हमें लगता है मीडिया की मदद भी हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शहर स्वच्छ बने। अभी हम कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, अभी हमें थोड़ा काम करने का मौका दिया जाए। अभी नई चीजें क्या है, क्या चीज की है, किस तरह की ठेकेदारी चल रही है? ये मतलब आप यार परिवर्तन किया जाएगा जो अभी तक लंबे समय से अटका हुआ था। कल 250-300 पट्टों का वितरण किया जाएगा सोमवार को। ऐसा नए सभापति अभी हमारे सरकार ने जो मनोनीत करके भेजा है और मनोनीत सभा पहली जो प्रक्रिया के तहत जो परिचय आपस में अधिकारी कर्मचारी, चूंकि मैं भी पार्षद हूं तो मैं भी साथ आ गया चेयरमैन साहब के, तो मैं देख रहा था। तो इन्होंने आज तो जो प्रक्रिया जो पहली रखी उसमें यही रखा है, कर्मचारियों को सबको सचेत किया, सबको अपना परिचय दिया और उनका परिचय लिया है और उसमें उनको आगे ये कहा है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे ऊपर जिम्मेदारी दी है माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जुली जी ने और हमारे जो नेतृत्व है आला कमान 8 दिन अशोक गहलोत जी की जो रीति नीति है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ लागू करें। और जो पूर्व में 2 साल से हम लोगों की चेयरमैन थी और सभापति कुछ कारणों से वो जिन कार्यों में वो नहीं कर पाई है, जिन विकास कार्यों को नहीं हो पाए उसको हमको पूरा करना है। हमारी सरकार की जो भी रीति नीतियां हैं उसको तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों को कहा गया कि उसको लागू करें। साथ ही चेयरमैन साहब ने एक बहुत अच्छा इस चीज का रखा कि भाई जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसका सम्मान और मान सम्मान नगर परिषद में आने वाले दिनों में बढ़ेगा। किसी भी अधिकारी कर्मचारी उनका मान सम्मान नहीं घटाएंगे, अगर कोई भी उनका मान सम्मान घटाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई चेयरमैन साहब करेंगे, जैसा चेयरमैन साहब की इच्छा है जो हमने यहाँ मीटिंग में बैठ के देखा है। और साथ ही जो भी यहाँ पूर्व में जिस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ था, जिस तरह से यहाँ ठेकेदार नगर परिषद को चला रहे थे वो यहाँ बंद होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, यहाँ पे आम जन को यहाँ मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। क्योंकि आज जिस वर्ग से हमारे सभापति महोदय बने हम सब लोगों की इच्छा है, क्योंकि ये एक नीचे और आम कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है तो आम कार्यकर्ता आज सीधा इनसे मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा नगर परिषद में विकास होगा और अलवर शहर का विकास होगा। उसी को लेकर आज इन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जिसका आने वाले समय में आपको और हमको सबको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या फील्ड में भी जाएंगे और क्या यहीं से मॉनिटरिंग होगी या फील्ड में भी देखेंगे ठेकेदार है उनकी पेनल्टी काटी जाएगी, किस तरह से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कर सकते? देखो चूंकि कल ही आप दोनों बने हैं और मैं तो इनकी कार्यशैली देख के रात को ही प्रसन्न रह गया कि आपको पता नहीं है रात को ये सारे रैन बसेरों में घूम आए और सारे रैन बसेरों में जो कमियां थी आज वो अधिकारी कर्मचारी नहीं आए, वो डिपार्टमेंट एनुअल नहीं आया, जैसा मुझे इन्होंने बताया उनमें जो जो कमी, मतलब जब वर्ग जुड़ा है जिस वर्ग से जुड़े इन्होंने रात को उनकी जाके देखी, पूरी रात ये घूमे, पूरी रात इन्होंने रैन बसेरों का सड़कों पर जो लेटे हुए थे उनसे सबसे जाके इन्होंने मतलब 2-2.5 घंटे तक पूरे शहर का निरीक्षण किया है, लाइटों का भी निरीक्षण किया है। तो ऐसा नहीं कि आप स्वागत में लगे, इन्होंने काम चालू कर दिया था, रात से ही चालू है और सुबह से ही चालू है, सुबह से ही अपने उसमें काम में लग गए थे, जैसा हम लोगों को मिल रहा है मौका देखने को, हम तो देख ही रहे, हमें तो अब जो बातें आई समझ तो अच्छा है। अगर इस तरह का अगर फील्ड में जाके ही काम होता है और फील्ड में बराबर ही काम कर रहे हैं, ये कहने में कम विश्वास रखते हैं, बोलने में कम और करने में विश्वास रखते हैं, मैंने जो देखा है।